मैं मोहम्मद मुकीम फ्रॉम क्रिएटर सेंटर। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर वन का पहला सवाल, एचसीएफ फाइंड करना। एचसीएफ में कहा गया है, पहले सवाल में कहा गया है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। 225 इज़ ग्रेटर दैन 135, 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो इसलिए हमारे पास हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास डिवाइज़र है वो 135 हो जाएगा, जो डिविडेंड है वो 225 होगा। तो हमने क्या करा, डिवाइज़र को हमने बाहर रखा और डिविडेंड को हमने अंदर रखा। 135 से 225 को डिवाइड करना, वन टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 135। 135 हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा जो रिमाइंडर बचा हो जाएगा 90। अब 90 जो है वो हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, और जो डिविडेंड था डिवाइजर था वो बन जाएगा मैंने डिविडेंड। अब रिमाइंडर से फिर डिविडेंड को हमने डिवाइज किया तो हमारे पास फिर वन टाइम जाएगा, फिर 90 आ जाएगा, फिर हमने इसमें से माइनस किया तो फिर आंसर हमारे पास 45 आ जाएगा। 45 फिर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब फिर हमने उसको डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, आंसर आ गया हमारा 0। अब इसी चीज़ को हम यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम थ्योरम के रूप में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू b मल्टीपल q प्लस r। अब देखो यहाँ पे a हमारे क्या है, डिविडेंड, b क्या है हमारे पास डिवाइजर, q क्या हमारे पास कोशेंट, और r क्या हमारे पास रिमाइंडर। तो हमने लिखा डिविडेंड जो था 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीपल 1 प्लस रिमाइंडर। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये डिविडेंड बन गया फिर दोबारा, और ये डिवाइजर आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास कोशेंट आ गया, और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब अगेन रिपीट करेंगे हम तो ये हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा, ये हमारे पास डिवाइजर हो जाएगा, ये हमारे पास कोशेंट हो जाएगा, और ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। जब तक लास्ट में रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए तो हम कंटिन्यू इसी प्रकार से डिवाइड करते रहेंगे। जो अब हम ऐसे कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करने में हम जो देखेंगे डिवाइज़र होता है जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। अगेन हम इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी करेंगे, 196 एंड 38220। तो इसमें चेक करेंगे सबसे पहले कि 38220 इज़ ग्रेटर देन 196, तो हमने वही एक डिवाइजर किया और ये डिविडेंट आया। अब हमने 196 से 195 किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख देंगे 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टी 195 प्लस 0। ये आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारा एस सी एफ क्या आ जाएगा, 196 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तीसरी बार तीसरा सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल भी है, पेपर में काफ़ी बार आ चुका है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 867 एंड 255। इसको हम चेक करेंगे तो 867 इज ग्रेटर दैन 255। अभी हमारे पास हमने वही करा, डिवाइड किया थ्री टाइम्स गया तो 765। हमें उसका रिमाइंडर बचा 102 को हमने फिर डिवाइजर बनाया और डिविडेंड किया 255 को, फिर हमने डिवाइड किया तो 204 आ गया, फिर 51 बचा, 51 को हमने फिर डिवाइजर किया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमने फिर इसको यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम के रूप में लिखा, ए इज इक्वल टू बी मल्टीपल क्यू प्लस आर, जहाँ पर हमने देखा एस सी एफ हमारा क्या निकलेगा, 51 निकलेगा। इसी प्रकार से कुछ सवाल मैंने आपको खुद करने के लिए दिए हैं, ये आपको खुद करने, डू योर सेल्फ। फाइंड द एस सी एफ, 18 24 का एस सी एफ निकालना है, दूसरे पे 6 14 का एस सी एफ निकालना है, तीसरे का 24 72 का निकालना है, फोर्थ में ये 18 72 15 84 का निकालना है, फिफ्थ में 15 84 336 का निकालना है, सिक्स में 18 72 336 का एस सी एफ फाइंड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।